Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our next topic, that is a radio system. Previously we have discussed radio waves. So now is angles is topic in there koi aisa major nahi hai ki koi bahut long uthe. Hum isko just jo hai wo short ke liye prepare karenge is topic ko. सबसे पहले हम देख लेते हैं साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस. देयर स्पीड इज़ वेरी लो, दैट इज़ अबाउट 340 मीटर्स पर सेकेंड. टू कैरी साउंड वेव्स टू लॉन्गर डिस्टेंस रेडियो वेव्स आर यूज फॉर दिस पर्पज रेडियो स्टेशन आर बिल्ट. देखिए कल्स हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ें होती है. एक हमारे पास आती है साउंड वेव्स, एक हमारे पास आती है लाइट वेव्स. तो जो लाइट होती है हमने प्रीवियसली देखा था, उसको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. इवन वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती, जबकि साउंड वेव्स जो होती है उसको मीडियम मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. और जो साउंड वेव्स होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते. देखिए अगर वो लॉन्ग ज़्यादा ट्रैवल करती साउंड वेव्स, तो अगर हम इस जगह आवाज़ लगाते तो दूर किनारे सड़क पार भी आवाज़ पहुंच जाती. इससे अंदाज़ा ये होता है कि इसकी स्पीड इतनी लो होती है कि तकरीबन 340 मीटर्स तक एक पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 340 मीटर्स तक आपकी आवाज़ जा सकती है. इट डिपेंड्स कि आपके पास एरिया क्राउडेड है या नहीं है. ये तो वो एरिया जहाँ पर क्राउडेड नहीं है, ठीक है. इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपने रेडियो वेव्स को ज़्यादा लॉन्ग एक से जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, फॉर एग्जांपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुँचाना है, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, रेडियो स्टेशंस की ज़रूरत. रेडियो स्टेशंस बनाए जाते हैं ताकि जो है जो सिग्नल्स हैं रेडियो वेव्स के वो एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जा सके. एट अ रेडियो स्टेशन माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल करंट सर्किट प्रोड्यूस रेडियो वेव्स ऑफ सेम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, दैन दीज आर दैन मिक्स विद साउंड सिग्नल्स एंड द कैरियर वेव्स आर ट्रांसमिटेड ऑल थ्रू द ट्रांसमीटर एंटीना. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जो रेडियो स्टेशन होते हैं, आपको पता है रेडियो स्टेशन में माइक्रोफोन के आगे बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो रेडियो स्टेशन में जो साउंड होती है जिस पर्सन की, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया जाता है. वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी और रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी एक रखी जाती है, ठीक है. उनको क्या, इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस रेडियो वेव्स ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की और रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी सेम रखी जाती है. फिर जब भी फिर ये वाले जो जो सिग्नल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसको साउंड वेव्स के साथ मिक्स किया जाता है. समझ में आई कि रेडियो वेव्स और उनकी फ्रिक्वेंसी को इक्वल, इलेक्ट्रिक से सर्किट में जो वेव्स होती है उसको दोनों को इक्वल किया जाता है ताकि साउंड वेव्स उसके अंदर मिक्स हो जाए. फिर इसके बाद क्या होता है कि जब ये साउंड वेव्स जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के साथ, इलेक्ट्रिक सिग्नल के साथ मिक्स हो जाती है, तब उसको ट्रांसमिट किया जाता है रेडियो स्टेशन से थ्रू एंटेना. तो अगर आप, अगर कभी आपका विजिट हो रेडियो स्टेशंस का, तो रेडियो स्टेशंस के करीब जो है बड़े बड़े एंटीनास या बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं जो रेडियो वेव जो होती है रेडियो वेव्स के को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इसके बाद है द कैरियर वेव्स अप टू 30 किलो हर्ट्ज आर यूज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन. अच्छा, अगर इस पूरे पैराग्राफ में मैं बता देती हूँ, इस पूरे पैराग्राफ में यह है कि रेडियो स्टेशंस जो होते हैं वो जो कैरियर वेव्स होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो जो साउंड सिग्नल को कैरी करता है उसको कैरियर वेव कहा जाता है. वो जो है मतलब फ्रिक्वेंसीज अलग होती है, यानी कि कभी आपने एफएम चलाया हो तो हर जो एफएम स्टेशन होता है उसमें उस हर चैनल की जो फ्रिक्वेंसी होती है या उसकी वो अलग होती है. अब क्या होता है कि आपके पास जो हमारे पास जो मोबाइल्स में जो जो मोबाइल होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको रिसीव करते हैं. पुराने ज़माने में जो रेडियो सेट होता था उसके ऊपर कुछ इस तरह के दो एंटीने सेट कर दिए जाते थे. अब क्या होता था कि ये एंटीने सेट हुए थे, जब हम रेडियो को टर्न ऑन करते थे तो सबसे पहले ये एंटीनास खड़े करते थे. क्यों एंटीनास खड़े करते थे? ताकि जो रेडियो वेव्स जहाँ से जो रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है, सबसे पहले रेडियो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेडियो है, इसका जो एंटीना होता है यहाँ वो जो छोटा सा एंटीना पहले फोल्ड करके इस तरह से पड़ा होता था, अब फिर उसको जो है इस तरह से खड़ा कर दिया जाता है. अब क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं जो रेडियो स्टेशन से आती, पहले वो एंटीना कैच करता है. यहाँ पर एक बटन होता है जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सेट करना पड़ता है, यानी कि फॉर एग्जांपल 101 पे रख दिया जाता है, ये जो भी फ्रिक्वेंसी होती है उस पर ला के सेट कर दिया जाता है ये सिग्नल्स. और वो जो हम बटन से उसको कर रहे थे, सेट कर रहे थे, वो जब दोनों बराबर हो जाते तो हमें साउंड क्लियर हो जाती है. यानी कि जब हम रेडियो की आवाज़ सुनने के लिए जो हम अपनी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सेट कर लेते हैं तो हमें एक चैनल की जो है वो मतलब रेडियो सुनाई देता है. अगर हमने कोई अलग सुनना है तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं. और एंटीनास अगर खड़े ना हो तो वो सही तरीके से सिग्नल्स, कैरियर वेव से सिग्नल कैच नहीं करता, तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता. इसी वजह से
आपके पास क्या होता है कि जब यहाँ एंटीना से रिसीव कर लेता है सिग्नल्स कैच कर लेता है, देन इसके बाद आपके पास क्या होता है कि जब उसने दोनों सिग्नल्स रिसीव कर लिए, फिर इसके बाद क्या होता है कैरियर वेव्स जो होते हैं उसमें एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर जो इसमें जो ये जो होते हैं इनके अंदर एम्पलीफायर जो होते हैं जो आवाज़ को जो है वो मज़ीद इन्हेंस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो साउंड जो होती है वो स्पीकर्स के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टेलीविज़न। बेसिकली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें आपने बताना है कि जो टेलीविज़न की वर्किंग है, यानी कि हम हेडिंग बना लेंगे वर्किंग ऑफ टेलीविज़न की। अब जितना भी मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है सारा इसमें आता है, जो ऑरेंज और येलो वाला, ये जस्ट मैंने इनने जो हेडिंग्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये इस तरह से किया था। असल में टेलीविज़न का है इसका एक सिंपल, इसका एक पार्ट अब हम करेंगे, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो टेलीविज़न है वो वर्क कैसे करता है। इसके सबसे पहले हम उसकी हेडिंग बनाते हैं ऑडियो वीडियो सिग्नल्स, मतलब ये है कि जो टेलीविज़न में हम आवाज़ भी सुनते हैं, हमारे पास वीडियो भी आती है, तो किस तरह से आती है, क्या होता है उसमें। द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविज़न ऑल्सो रीचेज फॉर अवे प्लेसेज थ्रू कैरियर वेव्स लाइक रेडियो। वीडियो कैमरा कन्वर्ट द पिक्चर एंड माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दीज आर कॉल्ड ऑडियो वीडियो सिग्नल रिस्पेक्टिवली। देखिए जो टीवी की ट्रांसमिशन होती है ना वो दूर दराज से आती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लामाबाद में कोई टेलीविज़न की ट्रांसमिशन है वो आ रही है लाहौर तक आ रही है, तो किस तरह से आती है, कैरियर वेव्स यानी कि लाइक रेडियो वेव्स की शक्ल में आती है। अब उसमें क्या होता है कि जब जो वीडियोस बन रही होती हैं उस टाइम पे जो कैमरा आप होता है जो जिससे भी बना रहे, फॉर एग्जांपल DSLR है आपका मोबाइल है, वो वीडियो कैमरा पिक्चर कैप्चर करता है और माइक्रोफोन उसकी आवाज़ को कैप्चर करके वीडियो कैमरे में जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक तो वीडियो रिकॉर्ड करता है, दूसरा साउंड को रिकॉर्ड करके किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या कहलाते हैं, ऑडियो वीडियो सिग्नल रिस्पेक्टिवली, यानी कि आवाज़ को जो माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है उसको हम ऑडियो सिग्नल कहेंगे, जो वीडियो कैमरा का रिकॉर्ड करता है उसको हम वीडियो सिग्नल्स कहेंगे। अब तो एक ये हमारे पास हो गया, सबसे पहले हम मतलब टेलीविज़न काम करने के लिए जो जहाँ से मतलब ट्रांसमिशन आ रही होती है वहाँ पर ऑडियो और वीडियो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर चेंज किया जाता है। देन इसके बाद जब वो हो जाता है तब जो टेलीविज़न स्टेशंस होते हैं वो उनके भी बाहर बड़े एंटीनाज लगे होते हैं, वो अब इनको ऑडियो वीडियो जो होते हैं सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या रेडियो वेव्स की शक्ल में दूसरे सिटी तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाहौर में टेलीविज़न का ऑफिस होगा वहाँ पर सबसे पहले वो ट्रांसमिट होंगे एंटीनाज के ज़रिए पहुँचेंगे, यानी कि जो भी सिग्नल्स होंगे, फिर इसके बाद ये आके ट्रांसमिशन ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चलो लाहौर तक आ गया, अब वहाँ से लेकर जो टेलीविज़न तक आता है वहाँ पर एंटीना टीवी एंटीनाज का काम करते हैं। अब मैं यह बात बताती चलूँ, ये हम उन टीवी की बात कर रहे हैं जो एंटीना के ऊपर बेस करते हैं। देखिए पुराने ज़माने में टीवी के ऊपर ना इस तरह से दो एंटीने होते थे जैसे रेडियो पे होते थे, वक्त बदलता चला गया तो टीवी एंटीना छोटा होता चला गया और ये वाले एंटीनास ख़त्म हो गए, फिर तार सिस्टम आ गया कि एंटीना छत पे लगाते और तार के ज़रिए जो है वो टीवी पे आ गया। अब सबसे पहले क्या होता है कि हम ये पुराने वाली की बात करें, टीवी एंटीना की बात करते हैं। व्हेन द वेव स्ट्राइक द टीवी एंटीना अ स्लाइट अल्टरनेटिंग करंट ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी इज प्रोड्यूस इन इट, यानी कि जो ये टीवी के ऊपर एंटीना या छत के ऊपर जो एंटीना लगा होता है, अब जो भी टीवी के सिग्नल्स की वेव आती है वो एंटीना से टकराती हैं और वो उसको अल्टरनेटिंग करंट की तरह की ही फ्रिक्वेंसी में उसको कन्वर्ट कर देती हैं। नेक्स्ट इसके बाद है एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफाइड होगा, द सर्किट ऑफ टीवी सेपरेट ऑडियो वीडियो सिग्नल फ्रॉम ईच अदर, दी सिग्नल आर देन एम्पलीफाइड। इसका मतलब क्या था कि फिर टीवी जो है ना आवाज़ वाली चीज़ों को अलग और वीडियो को सिग्नल्स को अलग कर देगा और इसके बाद जो है वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई का मतलब है कि चूँकि सिग्नल्स बहुत छोटे होते हैं, एम्पलीफाई का मतलब है तो उन सिग्नल्स को ऑडियो वीडियो को दोनों को लार्ज कर देगा। देन इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल्स। इसके अंदर क्या होता है कि ऑडियो वीडियो सिग्नल्स जो है वो किस तरह से होते हैं, ऑडियो सिग्नल गो टू द स्पीकर विच कन्वर्ट इनटू साउंड, यानी कि जो पहले टीवी जो है ना ऑडियो और वीडियो को अलग करेगा, जो ऑडियो का उसको स्पीकर में भेज दिया जाएगा ताकि वो सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करे और वीडियो को पिक्चर ट्यूब में भेज दिया जाता है ताकि वो पिक्चर ट्यूब जो है ना वो पिक्चर बनाती है टीवी के ऊपर। अब ये तो समझ में आ गया कि ऑडियो जो है वो स्पीकर में चली जाती है। अब हम ये देख लेते हैं बेसिकली कि पिक्चर ट्यूब में तस्वीर किस तरह से आपको टेलीविज़न पे नज़र आती है। अब क्या होता है कि इन अ पिक्चर ट्यूब द इलेक्ट्रॉन गन थ्रो अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो द स्क्रीन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गन इस तरह होती है, बड़ी स्क्रीन होती है, ये ऐसे 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 करके ये ना बीम मूव करती है तो पिक्चर बनाती है टीवी के ऊपर।
अ फ्लोरेसेंट मटीरियल इज कोटेड ऑन द स्क्रीन ऑन द इनसाइड ऑफ द स्क्रीन, यानी कि एक स्क्रीन का ये बाहर तरफ है, एक स्क्रीन का ये इनसाइड है। इनसाइड की तरफ एक फ्लोरेसेंट का मतलब होता है एक चमकीली सी एक जो है ना लेयर होती है वो इनसाइड ऑफ द टीवी लगाई जाती है, क्यों ताकि इलेक्ट्रॉन जब इस पर पड़ें तो वो ताकि थोड़ी सी रोशन हो, रोशन होने से 7 कलर्स प्रोड्यूस होंगे, तो जो भी सिग्नल आए हुए होते हैं वो यानी सिग्नल की शक्ल में जो भी चीज़ आ रही होती है वो डिस्प्ले पे नज़र आना शुरू हो जाती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन इट लाइट इज इमिटेड, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को पड़ेंगे तो लाइट इमिट होगी, क्योंकि फ्लोरेसेंस ट्यूब पे इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे तो वो लाइट इमिट करेंगे। द मीन फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ब्राइट डॉट्स ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द वीडियो सिग्नल, यानी कि वीडियो सिग्नल अगर स्ट्रॉन्ग आ रहे तो अच्छे डॉट्स क्रिएट करके जो है वो मतलब वीडियोज़ में मतलब रिकॉर्ड करेगा। अगर आपके पास सिग्नल वीक है तो इलेक्ट्रॉन बीम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर डॉट क्रिएट नहीं करेगा। द डार्क एंड ब्राइट पार्ट कंपोजेस द पिक्चर, यानी कि वो डिपेंड करता है कि कुछ पार्ट ब्राइट होते हैं कुछ डार्क होते हैं, इस तरह से दोनों सिग्नल प्रोड्यूस करता है। अबाउट 25 पिक्चर्स आर कंप्लीटेड इन स्क्रीन इन 1 सेकंड, यानी कि तकरीबन जो 25 जो डॉट्स या 25 पिक्चर्स होती हैं वो 1 सेकंड में तस्वीर के एक हिस्से पर आ रही होती हैं। इन अ कलर टेलीविजन देर इज इलेक्ट्रॉन गन विच फॉर्म रेड ग्रीन ब्लू पिक्चर एट द टाइम ऑन द स्क्रीन, इसका मतलब है जो कलर टेलीविजन पुराने ज़माने में इस तरह के ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें वो आते थे टीवी, अब आते हैं कलर टीवी जिसमें 7 बेसिक कलर्स होते हैं वो स्क्रीन के ऊपर मतलब कलर देते हैं तो कलरफुल स्क्रीन बनाते हैं। दीज 3 कलर्स ब्लेंड इनटू कलरफुल पिक्चर, यानी कि बेसिक कलर्स कौन से, रेड ग्रीन ब्लू, और इनके आपस में मिलने से जो फर्दर कलर्स होते हैं वो बनते हैं, और इस तरह से जो है आपके पास जो टीवी होता है वो जो यानी कि जो रंगीन टीवी होता है वो इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीवी केबल्स है। इन केबल टीवी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू रेडियो वेव्स, बट दीज रेडियोज आर टीवी सेट फ्रॉम टीवी स्टेशंस टू केबल्स द कंपनीज अचीव। पूरा में गलत इसमें क्या है कि जो टीवी केबल्स होते हैं ना, देखो आज पुराने ज़माने में मैंने बताया एंटीना होता था, एंटीना पे सिग्नल्स पड़ते थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता था, टीवी आता था, ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट करता था। अब आपके पास सिंपल टीवी केबल्स आ गए, आपके घरों में लगने वाली जो केबल होती है डिफरेंट जो कंपनीज़ होती हैं मतलब जो कनेक्ट केबल कनेक्शंस देने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि जो जो जितने भी जो चैनल्स होते हैं उनकी ख़ास फ्रिक्वेंसी सेट हुई होती है वो उन केबल्स के ज़रिए जो है वो घर तक आती है, यानी कि केबल ऑपरेटर तक आती है, केबल ऑपरेटर जो है फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सिंपल जो केबल टीवी में होता है कि जो केबल तार एक यानी कि तार होती है वो अपने टीवी के पीछे लगा लेते हैं और वो जो है जो जो भी यानी कि जो भी प्रोग्राम होता है वो ट्रांसमिट होता है कंज्यूमर तक, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आपके पास सेटेलाइट्स का भी होता है, डिफरेंट कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन टीवी है, अमेरिकन कोई चैनल है वो क्या करता है कि सबसे पहले ना जो बड़ा ब्रॉडकास्टिंग सेंटर जो पाकिस्तान में वहाँ तक आते हैं इसके सिग्नल्स की शक्ल में, या समटाइम अगर सिग्नल्स की शक्ल में नहीं आ रहा तो केबल टीवी अंडर वाटर है, समंदर के नीचे ज़मीनी राज किसी तरीके से ये केबल वायर जो है वो सेट करके आती हैं। अब ये जब आती हैं तो ये फर्दर जो कंपनीज होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंज्यूमर तक। हाई क्वालिटी पिक्चर्स एंड साउंड आर रिसीव थ्रू केबल्स, यानी कि एंटीना के जरिए तो पिक्चर वो गंदी आती है, अगर हवा तेज़ चल रही है तो या बारिश तेज़ हो रही है तो सिग्नल्स ख़राब हो रहे हैं, या उस तरह से टीवी ख़राब भी आता है, कभी साफ भी आता है। मगर केबल टीवी का फ़ायदा ये होता है कि इसमें पिक्चर क्वालिटी ख़राब नहीं होती।